गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारे हैं मॉर्निंग डायरेक्टर और आज की तारीख हो गई 27 जनवरी 2017। हम लोग मॉर्निंग से ही घूम रहे हैं, लेकिन आज का जो माहौल लग रहा है, यह लग रहा है कि ये शरद ऋतु की फिर से शुरुआत हो रही है, जबकि जनवरी आपका ख़त्म होने को है। और हम लोग का आज का टॉपिक्स यह है, हम लोग घूम रहे हैं, यह टॉपिक्स बना रहे हैं कि आखिर में जीवन में लोगों की खुशी, दर्द, गम, खुशी जितने भी होते हैं वो क्या, मतलब ऊपर से पोषित है या अपने कर्मानुसार होता है। तो अनिल साईं जी, हम लोग का जो स्वर्ग नरक की बात आई है, तो इसके थोड़ा सा प्रकाश डाले, क्या मनुष्य को इसी जीवन में यहाँ पे स्वर्ग और नरक दोनों झेलना पड़ता है क्या? धन्यवाद देवेंद्र पांडे जी, बहुत बड़े संत तो हम नहीं हैं, मैं आपसे भी ज्ञान में कमी है, लोग बहुत बहुत लोग ज्ञानी लोग हैं, लेकिन मुझे जो दिमाग में आया, जो हमारे गुरुदेव की जो मिली हुई शिक्षा के अनुसार मैं बोलता हूँ, कर्मानुसार ही मनुष्य को फल मिलता है, ये सही बात है। कर्म ही महान है, मनुष्य का कर्म ही महान है। और जहाँ तक ईमानदारी, भ्रष्टाचार, ये सब आपका मायावी दुनिया का ये भाषा है। इस मायावी दुनिया में हर एक तरह का लोग कलाकार हैं, हर एक तरह के कलाकार हैं और अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं। कोई ठगने की कला जानते हैं, कोई कानून की कला जानते हैं, कोई जो है सो अपने मेहनत की कला जानते हैं और इस तरह से जीवन यापन करते हैं। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में हर एक तरह के जीव भी रहते हैं, वो भी अपना कला दिखाते हैं। इसलिए सब ये मायावी दुनिया की बात है। संत भी माया से जोड़ के ही अपना प्रवचन करते हैं। जो आप बोलते हैं दान जी, ये क्या है? माया है, माया का दान आपने देता है। आप लोग जो देते हैं संतों के दान, वो माया है। कागज का टुकड़ा लक्ष्मी नहीं होता, ये गलत है। लक्ष्मी तो एक देवी हैं, ईश्वर हैं, स्वरूप हैं, जो मनुष्य से परे है। तो कर्म के अनुसार ही आदमी जीवन जीता है। आज हम लोग जो कर्म किए हैं देवेंद्र पांडे जी, इसी तरह का जीने का हम लोग का भगवान ने आशीर्वाद दिया, लेकिन इसको भी लोग खुशी पूर्वक जिए तब तो मनुष्य भी कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए बोला गया है इस पृथ्वी पर, संत ने बोला कि धन जो होता है, सबसे बड़ा धन माना गया है किसी चीज को नहीं, संतोष धन से बड़ा कोई धन नहीं होता। यानी हमारे यहाँ जो हमारे मॉर्निंग डायरेक्टर अनिल साईं जी थे, उन्होंने कह रहे थे कि यहाँ पर संतोष से बड़ा कुछ भी नहीं है, यानी सेटिस्फैक्शन चाहिए मनुष्य को, इस यही स्वर्ग नरक करवाता है, सेटिस्फैक्शन ही। यानी आप यदि सेटिस्फाई हैं तो आपको यही दुनिया स्वर्ग लगेगी, आप यदि अनसेटिस्फाई हैं तो यह दुनिया नरक लगेगी, बात यही है। ब्रीफ तो लोगों का यही कहा जाता है। हमारा यह कहना है कि बावजूद इसके, हम कह रहे हैं कि आज मेरे सैकड़ों इस चैनल पर, हमारे टीवी चैनल पर सैकड़ों प्रवचनकर्ता, हमारे ऋषि मुनि सब आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, बावजूद इसके भी लोग किसी प्रकार की कोई व्यवहारिकता में या कोई मैनर्स में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है लोगों का। कोई जाते हैं तो बड़े लोग एकदम सज धज कर सुनने के लिए, और आपको ऐसे लगेंगे अनिल साईं जी कि मानो कि कल से वह जाके वह पूरा उस पूरे ऋषि मुनि के जो बताई गई राह है उनके पूरे शैली को वह अपना लेंगे, लेकिन जाते के साथ में क्या होता है कि लोगों का वह अपना भी भूल जाते हैं लोग, यह भी देखा गया है। यानी ये जो है, ये जो वहाँ पर बैठकर, मतलब संतों के साथ जो बैठकर जो सुने हैं, वो भी एक चीटिंग कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही बात आप बोले, वो उनके साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चीटिंग कर रहे हैं, अपने आप को चीटिंग कर रहे हैं, हाँ अपने आप को चीटिंग कर रहे हैं, अपने आप को चीटिंग कर रहा है। हाँ, हम यदि वीरेंद्र पांडे जी से ठग लिए 50,000 तो अपने आप को मैंने ठगा लिया, वीरेंद्र पांडे जी को नहीं ठगा, क्योंकि ये सबको पता है कि पूरे पृथ्वी से बाहर कोई धन नहीं ले जा सकता, चाहे आप कितनों ही कमा लीजिए, लेकिन एक गरीब को बांट के खाने से, जिसके बगल में चूल्हा ठंडा और उसको ठंडा चूल्हा को गर्म करके खाते हैं, एक आपस में बांट के खाते हैं, है ना, ये सोच बदलने की बात है।
यदि विचार और सोच बदल जाता है तो इसका आशीर्वाद जरूर आपको लग जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आशीर्वाद जो है वो प्रभु का आशीर्वाद है। अच्छा तो हम आप तो अच्छा अच्छा आप जानते हैं, आपके अंदर तो बहुत सारा ज्ञान है तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ यह कह रहा हूँ आनंद साईं जी, हमारा यह कहना है कि जिस प्रकार से मानव सोचता है कि जैसे हम आपको किसी तरह अपने कुछ कला जानते हैं ठगने का, उस ठगबाजी कला से आपका पैसा से पैकेट से हम निकाल लिया मान लिया जाए, लेकिन हम भी कहाँ बच पाते हैं, हमको भी ठगने वाला हमसे भी कुछ और है। सही बात तो है, यदि आपको मैं 50 ठगा हूँ ना तो 1,00,000 ठगने वाला डॉक्टर है। ये मैंने बताया कि ये ठगों की दुनिया है, झूठा दुनिया है। राजनीति करने सबसे बड़ा ईश्वर हमारे राजनीतिक नायक कहलाए कौन, हमारे कृष्ण 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 भगवान जैसा कोई पॉलिटिशियन ना हुआ ना होगा, ना भविष्य में ना वर्तमान में और ना पास्ट में। ईश्वर से बड़ा ठग कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इसलिए हम लोग उसके ईश्वर जीवावनाशी उनका थोड़ा थोड़ा नकल तो जरूर करेंगे, क्योंकि उनके ही हम लोग अंश हैं, उन्हीं के हम लोग अंश हैं, तो उन्हीं का हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखिए, हम भी शुरू से कह रहे हैं रासलीला आप भी करते थे देवेंद्र पांडे जी करते हैं। तो हम लोग का यह कहना आनंद साईं जी, ये जो हम अभी कर्म करें, जो सुबह से घूम रहे हैं घूमने का, या ये जा रहे हैं काम करने के लिए, मजदूर लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, तो ये हम नहीं निकले हैं, हमको निकालने वाला कोई और है। कर्मशैली है, कर्मशैली है, और निकाला है कि देवेंद्र तुम यहाँ से उठो, अब तुम चलो, अब तुम जाकर घूमो, स्वास्थ्य बनेगा, स्वास्थ्य बनेगा, तुम्हारा जो डायबिटीज रोग ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, ये चीज हो रहा है, तुम अपना जाके रिहर्सल करो, रिएक्शन करो, तब ना कुछ करोगे। तो ये ऊपर से लाके हम लोगों को प्रायोजित है, और आपके साथ ईश्वर ने एक चीज जोड़ दिया है देवेंद्र पांडे जी, आप अस्थिर से बैठे नहीं रहिएगा, नहीं, क्योंकि जो पेट है ना वही खेत है, उसमें तो बीज आपको डालना पड़ेगा। हाँ, और ये पेट जब तक जिंदा रहिएगा पेट आपको छोड़ेगा नहीं। इस जितने भी लोग जा रहे हैं ये काम करने के लिए, पेट के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईश्वर ने ये दुनिया जो बनाया, चलेगा, और इसी दुनिया चलती है और ये चलती रहेगी, इसलिए इस पर आप ज्यादा दिमाग नहीं, कोई जरूरत इतना दिमाग नहीं लगाइए, बस संतोष रखिए आप, संतोष प्रमोदन, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, और खूब इंजॉय कीजिए इस मैंने प्राकृतिक ने इतना बढ़िया छटा दिया है, हाँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ओम साईं राम, जय साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।